हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनू और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आम पन्ना की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे पता ही है, अभी गर्मी का टाइम है और आम हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा आपको। मार्केट में कोई भी वेजिटेबल शॉप में ये कच्चा मैंगो जो है ना मिल जाता है, तो इसलिए हम आज आम पन्ना की रेसिपी लेके आए हैं। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं आम पन्ना कैसे बनाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका। ये देखिए, ये मेरे पास एक कच्चा आम है, ये मिडिल साइज़ का, एकदम मीडियम साइज़ का आम है। तो ये कच्चा आम है और कच्चा आम को जो है ना हमने बॉईल कर लिया है। तो इस टाइप का जो आम है, मिडिल साइज़ का मीडियम साइज़ का आम आप लें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का आम लिया है, इसको हम यहाँ पर देखिए बॉयल कर लिए हैं। आप प्रेशर कुकर में डाल के पानी डाल के इसे 1 से 2 सीटी लगाएंगे तो ये पक जाएगी, या वैसे भी पक जाएगी, आप पानी में डाल के बॉयल कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए, दोनों आम को मैंने बॉयल किया है और एक कच्चा है। तो हम 2 आम से 2 ग्लास जो है ना आम पन्ना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैंड वॉश कर लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हाथ का काम कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले मुझे हाथ धोना है अच्छे से। और हाथ धोने के बाद हम यहाँ पर एक बाउल में पीने का पानी लिए हैं, और इसमें अब मैं ये ऊपर से ये थोड़ा सा हटा देती हूँ काट के, और इसका यहाँ पे ये छिलका जो है ना इसको हटा लेंगे। और देखिए, आराम से ये छिलका जो है ना रिमूव हो गया है। और अब हम इसको पानी में डाल दिए, फिर सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे ये दूसरा उबला हुआ आम लेंगे और इसको भी यहाँ से ये छिलका यहाँ से हटा देंगे। और ये देखिए, छिलका हट गया, इसको भी हम पानी में डाल दिए। अब मैं यहाँ पे देखिए हाथ से पके हुए आम के बीच से ये सीड रिमूव कर देंगे, दोनों आम से सीड निकालेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम हाथ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं सीड रिमूव करने के लिए, इसलिए हमको हाथ अच्छे से धो लेना है पहले। तो ये देखिए, सीड रिमूव हो चुका है और ये मेरा आम का ये पानी है। और अब मैं इसमें डालूँगी 4 बड़ी चम्मच शुगर। आप थोड़ा सा अगर मीठा पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 1/4 टीस्पून वाइट सॉल्ट। ये दोनों के डालने के बाद हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून यहाँ पे चाट मसाला। और इन सबको डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर ये ग्राइंडर जार लूँगी और इसमें इसको डाल दूंगी। और ये देखिए, थोड़ा सा चीनी नीचे था उसको भी हमने डाल दिया इसमें। और अब हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन गया, बहुत ही अच्छा लगता है ये पीने में। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए हमें यहाँ पर 2 ग्लास लिए हैं और इसमें कुछ आइस क्यूब डालें, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है पीने में, इसलिए हम यहाँ पे आइस क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ आइस क्यूब मैंने ग्लास में डाला और इसके ऊपर से ये आम पन्ना जो मेरा बन गया है वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें पानी डाल के इसे और भी पतला कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा ही पसंद है इसलिए हम इस तरह का बना रहे हैं। आप इसमें चाहें तो 2-3 ग्लास भी पानी ऐड करके इसको ज़्यादा बना सकते हैं। और इसके ऊपर से थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए मिंट लीफ डाल देंगे। और इसे आम पन्ना बना करके आप फ्रिज में भी 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप बाहर जाएं तो एक बार इसे पी लें और फिर गर्मी में धूप में बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी आम पन्ना जो है बन के तैयार हो गई है बहुत ही जल्दी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए अपने घर पे। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब